रायबरेली की सीमा से लगे फुरसतगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम ने सामने से आ रहे सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार। डीसीएम की टक्कर से टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और सवारियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हाई इलाज के दौरान टेम्पो चालक अर्जुन दुबे उम्र 55 वर्ष निवासी दोहरी जनपद रायबरेली की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टेम्पो में बैठी अंशिका पुत्री हरिद्वार उम्र 9 वर्ष, अंश उम्र 12 वर्ष सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें मासूम बच्चों सहित दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं टक्कर मारने के बाद डीसीएम चालक मौके से डीसीएम लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार डीसीएम चालक की तलाश शुरू कर दी। डॉक्टर एस के सिंह, EMO जिला अस्पताल रायबरेली। सर, अभी एक मामला आया एक्सीडेंटल डीसीएम और टेम्पो का, कितने लोग रहे? CSC फुरसतगंज से करीब 5 लोग रेफर किए गए हैं, जो कि 2 एम्बुलेंस गाड़ी से द्वारा लाया गया है। बाकी इसमें 5 लोग करीब 3 4 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं और एक एक पुरुष है। बाकी सभी को, किसी को सर में चोटें आई है, किसी को पैरों में चोटें आई है, किसी को हाथ में चोटें आई है, काफ़ी सीरियस हैं दोनों सभी लोग। सबको फर्स्ट एड करने वास्ते ट्रीटमेंट करने वास्ते एडमिट कर दिया गया। ट्रीटमेंट चालू है। अटेंडेंट द्वारा ये बताया जा रहा है कि टेम्पो से सफ़र कर रहे थे, शायद 4 व्हीलर ने किसी ने ठोकर मार दिया, जिसके से एक्सीडेंट टेम्पो पलट गया, जिनके वजह से चोटें आई हैं। काफ़ी सीरियस हैं, सबको एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है सबका। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।